तरफ चल रहा है वैजू और जयकांत का थप्पड़ शो। तो वहीं दूसरी ओर वैजू के घर आ गई है खुशियां। स्टार प्लस की सीरियल माटी से बंधी डोर में वसुंधरा ने अपने घर पूजा रखवाई थी, जिसके चलते वैजू और पूरा परिवार उनके घर आया है। लेकिन वहां पर आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि जयकांत पहुंच गया है वैजू को ताने कसने। ऐसे में जयकांत से वसुंधरा के लिए ऐसी बात निकल गई कि वैजू से रहा ना गया और उसने जयकांत के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तू खुद देख कि पहले तुझे बहू बनाकर घर में लेकर आएगी और उसके बाद अपने उस रण विजय के लिए एक पढ़ी लिखी और अमीर लड़की लेकर आएगी। अरे ऐसा ही नहीं, एक नंबर की कमी नहीं है। वैजू और जयकांत खड़े, तो थप्पड़ तो आना है, तमाशा तो होना ही है। इस लड़की को इतना छेड़ दिया है कि आज जाकर इनका जो अंदर का गुस्सा था वो फूट गया है और फूट के उसकी छपाई सीधे इस गाल पर हुई है। भाई जयकांत और वैजू का तो 36 का आंकड़ा है और ये बात रणविजय जानता नहीं। ऐसे में जब थप्पड़ को लेकर घर में तमाशा शुरू हो गया तो देखिए कैसे रणविजय का गुस्सा भी वैजू के ऊपर फूट रहा है और वसुंधरा वो तो सच जानने की कोशिश में लगी हुई है। काकी साहब, मैं तो वैजू से माफी मांगने के लिए आया, जोर से थप्पड़ मार दिया मुझे। मैंने तुमसे पुरानी बातें भूलने के लिए ही तो कहा था। क्या गलत कह दिया? और अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो ये दूसरा गाल है, इस पे भी जोर से थप्पड़ मार दो मुझे। वैजू, क्या ये सच बोल रहा है? क्या तुमने इसे थप्पड़ मारा? हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई कांट बिलीव किसने दोबारा ये हरकत की है। वैजू बेटा, मैं बस सिर्फ इतना बात जानना चाहती हूँ कि तुमने इसे क्यों मारा, ऐसा क्या हुआ था? तेरे पक्ष में कुछ नहीं बोलेगी, कम से कम इतना तो बता दे क्यों मारा इसे तूने। बिजू, मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे कुछ कहना है। शायद बदतमीजी ही तुम्हारी इकलौती क्वालिटी है। ठीक कहा था तुमने रजू, कि हम दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, कि हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगा कि सिर्फ एक वजह से क्यों किसी को जज किया जाए, लेकिन आज ये पहली बार नहीं दूसरी बार हुआ है जब इसने हमारे फैमिली मेंबर को हर्ट किया है। तुमने हमारे ही घर में आके मेरे भाई को थप्पड़ मारा। अरे भाई का साथ तो देगा ही ना, भाई के साथ ऐसा हो रहा है तो। और दूसरी बार हुआ है कि रणविजय के सामने मैंने किसी को थप्पड़ मारा है, तो जो मेरी छवि में बदलना चाहती थी वो हो नहीं पा रहा है, वही हो रहा है जो मैं पहले करती थी। गुस्सा आता था तो मार देती थी, जैसे संतोष को मारा था अभी इसको मारा। जयकांत मोहित पाटिल जो चाहते हैं वैसा होता जा रहा है, मतलब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो। हाँ, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ने वाली वैजू है तो वो आखिर में जीती। वो तो है, क्योंकि हमारी हमारी हीरोइन भी वैजू है, तो वैजू इज ऑलवेज राइट। भाई यहाँ तो वैजू खामोश रही और रणविजय वो गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना रिश्ता वैजू से तोड़ दिया है। लेकिन अगले ही दिन जब रणविजय को सच का एहसास हुआ तो देखिए कैसे वो गाड़ी लेकर पहुंच गए हैं वैजू के घर, सभी घर वालों से बातचीत करने और तो और वैजू से माफी मांगने। इतना ही नहीं, उन्होंने तो वैजू की माँ से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात तक कह दी। बस फिर क्या, ये सुनकर वैजू के चेहरे पर स्माइल आ गई और घर वाले खुशी से झूम उठे।
आज ऐसा कुछ हुआ है अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमारी प्रार्थना नंदी महाराज ने सुन ली है और वो बहुत पॉजिटिव एक रिस्पांस देखे गया है वैजू को, तो पूरी फैमिली जो है चीनी से मुंह मीठा कर रही है, तो एक दूसरे को खिला रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, गांव में या कहीं आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास तभी मीठा पड़ा हो कुछ हो, जो भी हो, चीनी इज़ द बेस्ट थिंग टू सेलिब्रेट विद द, मतलब द हैप्पी मोमेंट, चीनी सबसे अच्छा होता है। जैसे हम चीनी खा के घर से निकलते हैं अपने एग्जाम के लिए, खुशी के लिए, तो आई बोलती चलो डब्बा खोलो, राणा जी को भी चीनी खिलाओ, मैंने सबको चीनी भी नहीं खिलाया, हम बहुत डांस कर रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल तो पूरा परिवार खुश है और वैजू उसे उसका प्यार मिल रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट का नाम है जया। देखना होगा कि जब जया का खुलासा रणविजय के सामने होगा तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंत लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और अब तो आ गए हैं हम आपके व्हाट्सएप पर भी।